कालसी वन प्रभाग के पपड़ियान में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता की शिकायत पर शनिवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जब तक राजस्व विभाग द्वारा भूमि फरमाइश नहीं होती, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। एसीएफ डॉक्टर शिप्रा शर्मा ने कहा कि फिलहाल मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यकर्ता को समझाया गया है। फिलहाल जब तक राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग के द्वारा मौके पर संयुक्त जांच सोमवार को नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य रोका जाएगा। यदि भूमि वन विभाग की पाई जाती है तो निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में जहाँ पर भी वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर उन्होंने वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया कि अतिक्रमण को हटा दिया जाए, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसीएफ साहब, आज यहाँ विवादित जमीन पे पहुंचे आपने, क्या दिशा निर्देश दिए आपने? यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि अभी तक जो भूमि की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग को भी लिखा हुआ है और उनसे रिक्वेस्ट भी करी हुई है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस भूमि का जो है उसका निस्तारण करवा दें, क्योंकि जो भी हमारे सीमांकन वगैरह कार्य है, अगर वन विभाग की जो भूमि है हम अपने वन विभाग की भूमि में को अक्वायर कर लें, और अगर अतिक्रमण की कोई भी यहाँ पे इस तरह का कोई मामला आता है तो हम उसका निस्तारण करें। मैं चाहता हूँ सर, ये 2019 से मामला चला हुआ है, ना तो रेवेन्यू विभाग और ना ही फॉरेस्ट विभाग इसका अभी तक कोई निस्तारण कर पाया है। ये जमीन मेरे पिताजी के नाम है, पट्टा 2.5 बीघे का पट्टा है, भूमिदरी हो रखा है, मेरे पे 2.5 बीघे का कब्जा है। मेरा तो ये कहना है विभाग से भी, रेवेन्यू से भी और फॉरेस्ट से भी, मेरी दे जाओ अपनी ले जाओ, हमारा कोई तीसरा कार्यक्रम नहीं। शिकायत कौन क्या करता है वो अपने आप देखे, या शिकायतकर्ता पेपर पेश कर दे वन क्षेत्र अधिकारी को और रेवेन्यू को। हमारे पे तो कागज है, फर्द है, हम तो उसके बिहाव पे बैठे हैं। जब पिछली दफ़े पूरा गांव था तब भी सब ने यही कहा कि ये ज़मीन इनकी है, फिर उसके बाद वो जो चले गए रेवेन्यू विभाग कहता है कि हम ऑथराइज नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। जब आपने रेवेन्यू को बुलाया तो बड़े अधिकारी को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज फिर ये जो रोड बन रही है, इसको मैं रास्ता बना रहा हूँ अपना, तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी, ये तो गाँव समाज के लिए रास्ता है, यही मैं कहना। आज एसीएफ साहब आए थे तो उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए? उन्होंने कहा कि मैं रेवेन्यू से बात करती हूँ, लेकिन वो बात करते रहें, अपने दस्तावेज वो दिखाएं, वो लाएं, और अपनी है मेरी छोड़ जाएं, अपनी है तो ले जाएं, बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। आपका नाम? आनंद सिंह तोमर। विकास नगर से दैनिक भास्कर संवाददाता महेश रावत की रिपोर्ट।